ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम में 5 तब्दीलियों का ऐलान कर दिया। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने लिस्ट जारी कर दी। नासरीन, आप जानते हैं कौमी क्रिकेट टीम अपनी अगली सीरीज का आगाज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ करने जा रही है। कौमी क्रिकेट टीम चंद ही दिनों में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने जा रही है। वहाँ पर कौमी क्रिकेट टीम टेस्ट, वनडे और T20 सीरीज खेलने जा रही है, जिसके लिए कौमी क्रिकेट टीम के स्काउट का ऐलान कर दिया गया है। कौन से प्लेयर्स को टीम से आउट कर दिया गया है और कौन से प्लेयर्स को टीम में शामिल कर लिया गया है, मुकम्मल अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। नास्तिन, आप जानते हैं वर्ल्ड कप 2023 के बाद पाकिस्तान टीम स्काउट को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर लिया गया। शाहीन शाह अफरीदी को टीम पाकिस्तान का नया कप्तान मुकर्रर किया गया। शाहीन शाह अफरीदी T20 के कप्तान मुकर्रर हुए मोहम्मद रिजवान वनडे के, जबकि शान मसूद इस वक्त टेस्ट सीरीज के कप्तान मुकर्रर हुए हैं। नासरीन, इस वक्त कौमी क्रिकेट टीम की टेस्ट सीरीज के लिए स्काउट का ऐलान कर दिया गया है। सबसे पहले आपको बताते चलें कि कौन से प्लेयर्स टीम पाकिस्तान का हिस्सा हुए हैं। सबसे पहले शान मसूद, उनके बाद आमिर जमाल, फिर अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, हसन अली, इमामुल हक, खुरम शहजाद, मीर हमजा, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, नोमान अली, सैम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील और शाहीन शाह अफरीदी। नासिन, इस वक्त ये टेस्ट सीरीज के लिए स्काउट तब्दील कर लिया गया है। आपके ख्याल में पाकिस्तान टीम में मजीद कौन सी तब्दीलियां होनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट में लाजमी दीजिएगा।